हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल जुडी। सो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स इन लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस वैसे ही है जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हो अपने डेली यूज़ के लिए, अपने ऑफिस में या अपने घर पे जो भी आपको रेज्यूम वगैरह या फिर कोई भी आपका डेटा रहेगा कैलकुलेशन वाला, तो हम लोग उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं। तो वैसे लिब्रे ऑफिस है, ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, ये आप फ्री में डाउनलोड करके अपने विंडोज़ या मैकबुक पे भी यूज़ कर सकते हो। उसमें ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज के उसके अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स कैसे करते हैं। जैसे हम लोग एक्सेल में करते हैं वैसे ही हम लोग लिब्रे ऑफिस में कैसे करेंगे, ये आज की हमारी वीडियो होने वाली है। तो वीडियो पूरा देखिए एंड तक। कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डेटा बना के रखा है वो ओपन करता हूँ। तो जो भी आपको डुप्लीकेट्स रिमूव करना है वहाँ पे आपको कर्सर लेके जाना है और पूरा डेटा वहाँ का सिलेक्ट करना है। जैसे मैं अभी प्रोडक्ट नेम के जो डेटा है उसके अंदर से डुप्लीकेट रिमूव करना है मुझे, तो मैंने सिलेक्ट किया डेटा ये। फिर सिलेक्ट करने के बाद मुझे जाना है डेटा में, डेटा के अंदर आपको जाना है मोर फिल्टर्स, मोर फिल्टर्स के अंदर स्टैंडर्ड फिल्टर। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने डेटा ऑलरेडी सिलेक्ट किया था तो इसके लिए फील्ड नेम प्रोडक्ट नेम दिखा रहा है। तो कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू ही रखना है और वैल्यू में आपको सिलेक्ट करना है नॉट एम्प्टी, ये हमेशा नॉट एम्प्टी रहेगा, और कंडीशन इज इक्वल टू। ये सब सिलेक्शन होने के बाद आपको जाना है ऑप्शंस, नीचे ऑप्शंस का बटन है तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है नो डुप्लीकेट्स। नो डुप्लीकेट्स चेकबॉक्स चेक करने का है, उसके बाद आपको डेटा जहाँ पे भी सेव करना है कॉपी रिजल्ट्स टू, तो वो पाथ आपको देना है। यहाँ पे अनडिफाइंड है, अभी मुझे पाथ दे सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट रो में मेरा फ्रेश डेटा चाहिए तो मैंने सी पे क्लिक किया, सी के फर्स्ट रो में। ओके, फिर यहाँ पर मुझे ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हो मेरा डुप्लीकेट डेटा पूरा चला गया है। तो इसमें से सिर्फ अभी टीवी, मॉनिटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट एंड माउस, यही मेरा यूनिक डेटा है। तो ऐसे ही आप भी अपने घर पे ट्राई करो, और कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज़ है टेक्निकल या फिर आपको कुछ इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या फिर मेल करो। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी, और भी वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक करें, फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।